प्रेजेंटेशन ऑन हमारे प्रोजेक्ट्स की पूरी कंपनी का प्रोजेक्ट्स कैसे हम मॉनिटर करते हैं, कैसे ग्रुप करते हैं, जस्ट एन आइडिया कैसे सीएमडी मॉनिटर करते हैं. सीएमडी द वे ही वांट्स टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट्स. इन्हें चलो प्लानिंग करंट ईयर की कितनी थी, हमारे बैलेंस वर्क लोड कितना था एज ऑन फर्स्ट जनरली बिगिनिंग ऑफ द ईयर के देखते हैं. फर्स्ट ऑफ अप्रैल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कितनी थी लास्ट ईयर की प्लानिंग. इफ यू सी यू कैन सी 300 प्रोजेक्ट्स बट इफ यू रियली आस्क मी मे बी 160 और 180 वुड हैव बीन रियली लाइक प्रोजेक्ट्स. बाकी जो मैंने बोला है जो बैलेंस शीट क्लोज नहीं होते ऐसे पड़े रहते हैं. हो सकते हैं दो साल तीन साल बाद उसकी वीडब्ल्यूडी मतलब फाइनल बिल तब बना जब बनाए उसकी कुछ टर्न और ऐसे आएगा बस. बट अभी वो सब स्ट्रीमलाइन हो रही है इट इज गेटिंग रेक्टिफाइड. तो टर्नओवर प्लान लास्ट ईयर की जो बनाई थी उसको 300 प्रोजेक्ट्स थे एंड बैलेंस वर्क लोड वॉज 1,13,085 क्रोर्स. इसमें से टारगेट रखी थी 13,728 राइट. आपने देखा है 13,000 कंपनी की टारगेट थी. सो एनी आइडिया अभी तक आपने किसे अभी तो मैंने लिखा है राइट साइड में 5,000 देखा. सो व्हाट डू यू फील हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग बताइए नितिन. तो क्या है सो ये फाइनली ये फिगर किधर से आता है आप लोग से आता है. सो परफॉर्मेंस क्यों परफॉर्मेंस कम हो रही है बताइए. देखो नेशनल एवरेज हम पीएमजी से देखते हैं तो मैक्सिमम जो भी टारगेट रखी है उसकी 50% या 60% मैक्सिमम इफ यू एक्सपर्ट. जो टारगेट हम लेते नहीं आपसे ऐसे आप जो देते हैं उसको एमओयू में साइन होकर साइन होती है. आप खुद बोलते हैं हम अपना कुछ नहीं बनाते आप बोलते हैं एज पर द वर्क अवार्डेड टू दिस कॉन्ट्रैक्टर. आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 300 crores राइट. 300 क्रोस दो साल में कंप्लीट करने तो आपकी फिजिकल माइलस्टोन से कॉन्ट्रैक्ट उसी हिसाब से आपने चलो इस प्रोजेक्ट इस दिन की करनी है. फर्स्ट माइलस्टोन को मेरे को स्ट्रक्चर इधर तक पहुंचनी है उसके बाद मैं फिनिशिंग इधर तक करेंगे उस बेसिस में आपने वर्कआउट करके इतना फाइनेंशियल्स आएगा करके खुद फिक्स करता देता है ठीक है. एंड दिस इज हाउ वी स्टार्ट वेरी पॉजिटिवली ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर. बट बीच बीच में आके देखें तो आप खुद ये हो जाता है आप लोग को भी देखना है ना क्या चल रहा है. Because main meetings youngsters are not attending and only the जो main head से SBG RBG उसको साहब से ये मिलता है firing मिलता है down the line किसी को पता नहीं मिलते होंगे बाकी आके बताते होंगे साहब हैं बताइए आकाश मन किन्वे ने लेकिन सबको मिलता है सबको मिलता है. चलिए ना आपके साइड में कुछ होता है नहीं है कुछ नहीं होता सीनियर्स ऑफिसर का फ्रेंड है. हां देखो ना दिस नॉट गेटिंग परपोलेटेड डाउन टू द ग्रास रूट इट इज वेरी बैड इट शुड परपोलेट. देखो आई हैव सीन इतवाई नगर इज सक्सेसफुल ओनली बिकॉज़ ऑफ द टीम देयर. इट्स अ वेरी एग्रेसिव एंड डायनामिक टीम. आप लोगों को मतलब चार बार क्लैप करना चाहिए क्लैप के लिए नहीं इट डिपेंड्स ऑन द लीडर. देखो कितनी अच्छी बोली है इनको आई नो इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक दैट सबको खड़ा कर लेते हैं उधर. तो ये प्लानिंग वी ऑल्सो फील ऑप्टिमिस्टिकली हाँ हो जाएंगे बट होते नहीं. अभी देखो इन जनवरी आई एम स्टैंडिंग 13,000 से 5,424 एंड द टारगेट विद द मिनिस्ट्री विच वी हैव साइन इज 7,200. तो मैंने हाँ 5,424 एंड देन अभी फेब्रुवरी का भी अभी जस्ट फिगर्स आए हैं वो भी इज नॉट इधर समवेयर अराउंड 850. अभी आज मैंने देखा तो इट इज हार्डली 680 और सो तो उधर भी 200 क्रोर्स की शॉर्टफॉल हो गया. अभी एक महीना बाकी है अभी पूरी मतलब पूरी अभी जो करनी है एक महीना बाकी बचा है. इट्स अ क्राइसिस अगेन द मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं आप ही सोचिए. आप इधर इस साइड में बैठे तो क्या कर सकते हैं. कंपनी का जो एमओयू जो साइन किया है जिस बेसिस में कंपनी का पीआरपी बांटता है यू नो ना एमओयू अचीवमेंट के बेसिस में पीआरपी बढ़ते हैं. मिनिस्ट्री का एक्सलेंट मिलने से कंपनी के एक्सलेंट अचीवमेंट होने से आपको सब 100% पीआरपी मिलता है. इस बार नहीं मिला
वो तो चलो वो एक्सेलेंट है कंपनी की, कंपनी के फाइनेंशियल्स जो कुछ इश्यूज है उस वजह से बांट नहीं रहे, चलो अदरवाइज यू विल गेट फुल, जो भी आपके पर्सनल सीआर पैसे उसी हिसाब से मिल जाएगा। बट देन ये जो अगले इस साल की एमओयू खुद मेरे को बड़ी ये लग रही है, बहुत मुश्किल लग रही है, बिकॉज अचीवमेंट एवरीबडी हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट। हर बार ये आप लोग खुद बताइए क्यों ऐसे हो सकते होंगे, जैसे मैंने देखा है जो आरबीजी एसबीजी हमारा जो मिनट्स भी आपने देखते होंगे, जब मीटिंग अभी करते हैं बोले कि अगले दो महीने में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, फॉर इंस्टेंस अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल में आके बोलेंगे नहीं सर वो हुआ नहीं है सर वो जुलाई में हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन व्हाई इज इट मतलब मेंटल एटीट्यूड और व्हाट डज इट इंप्लाई, क्या होगा आपकी क्या फीडबैक है? एफर्ट्स की कमी रहती है, एफर्ट्स की कमी रहती है। हां यस यू आर राइट, एफर्ट्स की कमी है, मेरे को लगता है पैशन नहीं है काम में। व्हाट डू यू से यहाँ जैसे फेस्टिवल आ जाता है लेबर चली जाती काम रुक जाते हैं। बोलने के लिए एक्सक्यूज तो यू कैन ब्रिंग एनी नंबर ऑफ एक्सक्यूज़ इफ यू डोंट वांट टू डू, इफ यू रियली इफ यू वांट टू डू आप उसको कैसे भी मेक आउट करके लेके आए, इफ यू डोंट बॉदर जो आ गया दे दो आगे बढ़ाओ बस उतने करते हैं। जो पुराने रहते उसको तो पता रहता है कि अब लेबर जाने वाले हैं तो दूसरे ग्रुप को टाई अप करते रहता है, तो उसको मैनेज कर देते हैं उसके प्रोजेक्ट तो जो इसमें नहीं चलते हैं। उस साइड वाले ने लेबर को भी पकड़ के लेके आए, वो भी आते हैं बिकॉज़ आपको बोल अच्छी तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर लेके नहीं आ रहे आप लेबर को भी ढूंढने के लिए जा रहे पकड़ के लेके आ रहे, दैट्स द वे इट इज डन। देखो ये सिविल इंजीनियर है ये सच है, फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट है मैडम लेबर के ऊपर डिपेंड है, लेबर क्या है दो तीन ग्रुप के लेबर होते हैं मालदा उड़ीसा ऐसा कुछ है, तो उनके जो फेस्टिवल आते हैं तो सारे अगर अगर वो प्रोजेक्ट इंचार्ज अगर अवेयरनेस है तो पहले से ही वो जानता है कि क्या होने वाला है। देखो फेस्टिवल वगैरह सडनली तो नहीं आता है, सडनली नहीं आता है, लेकिन तो उसके इंचार्ज जो अवेयरनेस रहेगा वो क्या करेगा उस रूटीन में कुछ और पहले से उसको होश करके रहेगा, स्टेप ले लेगा नहीं तो क्या है हैंडलेस नया पर्सन तो हैंडलेस हो जाता है तो साफ चले गए काम ही नहीं होता है साइट पर। तो मैंने आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं यू आल्सो हैव टू थिंक इन दैट वे, मतलब ये जो प्लानिंग दे रहे हैं शुड बी सैक्रोसेंट, आपको भी फीलिंग होनी है हाँ मेरे को डिलीवर करना है वो वाला फीलिंग, अब इस कंपनी को किधर मेनिटी हो गई, सबने अपने आप में सोच लिया जो आ गया दे दो ऐसे करके हो गया तो कंपनी किधर खड़ा हो जाएगा, दिस कंपनी विल नॉट ग्रो देन, दिस कंपनी विल नॉट बी एबल टू रीच द गोल। देखो अभी आज के दिन में इट हैज गॉट अ वेरी गुड इमेज, आप मानते हो नहीं मानते? यस मैम। आज फोन आएगा मेरे पास, हाँ आज अभी इंटरनल ऑडिट कंपनी का इंटरनल ऑडिट करने के लिए हेड ऑफिस का इंटरनल ऑडिट करने के लिए अर्नेस्ट एंड यंग को अपॉइंट किया है राइट, तो वो आज एक किक ऑफ मीटिंग था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में, तो मैं गया था 11 बजे, तो मीटिंग अटेंड करने के बाद वो बंदा आया था मेरे कमरे में आया था बिकॉज नाउ ऑडिट इज गोइंग टू स्टार्ट, तो हर डिवीजन के ऑडिट हुए, तो वो पहले क्या बोल रहे हैं मेरे को हाँ एनबीसीसी इतना बड़ा कंपनी हो गया, वेयर एवर आई गो आई सी द एनबीसीसी बोर्ड एंड आई ऑनर टू ऑडिट एनबीसीसी, देखो द इमेज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अर्नेस्ट एंड यंग, अर्नेस्ट एंड यंग इज एन एमएनसी एंड हम उनको ऐसे लुकअप करते हैं और वो खुद उल्टा हमको बोल रहे हैं बट हम अंदर से हमको पता है हम क्या है that is the real मतलब ये एक but then you should utilize this opportunity ना जो आपको मिले हैं, actually you people are obviously lucky in the sense you have got a plate full, हम just entry किए थे इस कंपनी में कुछ नहीं थे, जैसे उसको जैसे मैनेजमेंट उसको एकदम मेहनत करके इसको खड़ा किया है, इसको फ्रूट्स करने के लिए तो मैंने तो और भी करनी पड़ेंगे उस डायरेक्शन में लेके चलना है। So this time is diverting. So tenure planning ke dekhe, this is what we targeted and what we are going to end. So every unit apne apne jo targets hai usko meet karne ke liye koshish kar rahe hain. Narrowly mein for instance it had huge targets but because of this traffic and other issues, traffic issues, abhi kuch bhi kaam nahi ho paya. But dekho we had planned that also. Abhi without this, dekho without those projects, major project giving that 3000 crore turnover, we have to meet our annual target with the ministry. Ministry will not allow you to reduce 1 crore rupee also. What we fixed during last year negotiation meeting,
one rupee also they will not allow you to reduce. Our four targets pointed here, they will not have any midterm correction. कोई भी आपको midterm negotiation भी possible नहीं है. तो जो भी है हमको immediately what you have to do, कभी भी कोई issue हो गया तो you have to think of other sources. मैं किधर से इसको make up कर सकती हूँ? Your mind should be working in those directions. किधर से मैं make up करूँ? किधर से मैं make up? और हर RBG अपना आप सोचने लगे, चलो आपकी केस में अलग है नेहरू नगर में, because you don't have other projects to handle. But many RBGs, what happens, they are having a collection of projects. 10 projects here, 10 projects here, एक sale हो गया तो दूसरे से make up करने के लिए. उधर कैसे मैं speed आगे बढ़ा सकते हैं? उधर से कैसे trade over increase कर सकते हैं? ऐसे देखना चाहिए. So this is about the cadaver planning. If you want to get into details, our category A is ongoing projects. This is 147 projects in PMC mode. Right? These are 147 PMC mode. Project sanction cost is so much, balance workload is so much, annual target is 8,894. And target up to January 7,145. Achievement is 3,814. Same way EPC. We are having very few projects as of late. 6 projects EPC. इतनी targets है. Same way GPRS को हमने group किए हैं. 6 GPRS we are currently doing. उसकी देखो 30,000 crores की target है 3,415. This is basically all the GPRS. The railway stations also we had planned during beginning of the year. तो अभी materialize नहीं हो पाया, वो भी इधर भी problems हैं. Same way real estate, this one 3 real estate projects are ongoing, उसका भी target है. So I am just telling you, category A we had a target of 12,745. You can see that 12,745. And then B category, what are those projects? B category are the projects which are likely to be started. जो हमारे MOU sign हो गया, जिसकी tendering करना है, हमें करके mature करवानी है, फिर उधर से चुनाव निकलना है. So every year when we start the year, there will be something ongoing and something which is yet to start, which is likely to mature. वो वाला category में आता है. तो उसमें भी थे हमारे 64 projects थे B category में and GPRS की 4 projects, railways के लिए and maintenance किरवाई नगर न्यू मोती बाग ये सब उसको अलग कैटेगरी बनाया है. Then overall for the company 211 projects था project management consultancy में. Then 6 projects of EPC, 10 सब मिलाके real estate सब मिलाके grand total और ये balance workload if you see 1,12,506. This is a balance workload as from first April. And हमारे target हमने कितनी रखी है? Hardly 10% of that, 13,179. उसका fund की achievement कितना हो रही है इस segment देखिए? So this is the problem. CMD जो press meets में बोलता है, we are having sufficient workload, but we are not dynamic in execution. We are not able to execute. This is a major problem which the company is facing. We are not strong in execution. Then we have this different range, typically projects, different group, above 1000 crores we have around 13 projects, then 500 to 1000 range went 9, 250 to 500, 24. This is 0 to 25, 24, 25 to 50, 24, 50 to 100, 28. I say that okay, if you see above 1000 crores we are having only 13 projects, major projects. And likely to be started, we have identified during the last year, 18-19, 41 projects. About 1000 crore, इसकी पूरी details है हमारे पास, 500 to 1000. And इसको भी हम PNG से monitor करते हैं, आपको पास भी phone आते होंगे, CPG वालों के पास, right? किस किस की tender हुआ, नहीं हुआ, कब open कर रहे हैं, सब पूछते रहते हैं. ये projection BD, इसके separately, which is under discussion.
and then production pipeline. Then balance workload, then projects above 100 crore. We have also made a system by which it's not possible that all the 160 projects or 200 projects which is ongoing, so equally we have time devote nahi kar sakte. So we have made a system where tenor of more than 100 crore has to come. Usko thoda sa concentrate karne ke liye koshish kiya. There are about 25 projects. This may, if you see monthly, if there is a turnover of 600 crores, some 400 crores comes from these 26 projects only, these major projects. So if these 26 projects also go as per schedule, we will be very easily achieving our targets. So, but wo bhi hote nahi hai. Wo jo major projects hai, usme bhi dikkat ho jata hai. For instance, this Deen Dayal Institute of Archaeology, Greater Noida, isme bahut serious fund crisis hai. We are not able to get funds around around 50 crores dues hai. The contractor is not able to go further. We are not able to release him any funds. So projects stuck ho gaya. This is, there are many issues. Same way projects to be started have 69. Then projects to be started and listing with reference to schedule planning. Projects started, to be started, projects started. The puri details PMG ke paas hoti hai. And CMT exactly reviews in these formats only. PMG review format we have recently designed. This is online. So, aap se jo mail bhejna aur mail se collect karna, wo sab we want to avoid. And because it's always good, there is a format for you to feed the data, usme details aa jayega. Jaise ERP mein jaise hoti hai, APR aapki jo property return hai, it was pakka done within that date. It's a big achievement how it happens. Pehle to hote nahi the. Same way, ACR ERP, the moment it was made in online mode, it has become successful. So, this data is very difficult for data collection. So, this PMG review format we have developed. So, in this way, you have to add dynamically data. Like, everybody will be having their number, key and code. So, you will code key and code. And, you have to add the whole data. And, we have to add it. All management can easily see the information. This is yet to be implemented. Maybe in the coming summer, we will try to present it to CMD and RBGs, and then we will try to introduce this system. Okay, online, he has developed this system out of his own interest and passion. So we are trying to get it implemented. Means we have tried to reduce the workload on each shoulders, you can say, so that the at the end we can get a compiled report from the RBG RBGs directly, rather than asking each one for the turnover and completions and other minute details that we already have in our systems. That we need not to ask to each one. So, इसमें हम लोगों ने एक जो generalized जो हमारा MIS टाइप में जो चाहिए होती है dynamic, वो हम लोगों ने यहाँ पर बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं. तो like मैं given the presentation regarding the planning and achievement. तो planning starting of the year से यहाँ पर मेरे को format दिखना है हमारा planning achievements and shortfalls. Top management is worried about these things only. If there is shortfall somewhere, then they will go into the details of the projects and all those things. Like we have just created a demo for this. Suppose abhi kisi ek inchas case mein planning ka yearly 86
करोड़ों का अभी तक अचीवमेंट इतना ही है. दिस इज जस्ट अ डेमो, इट्स नॉट अ करेक्ट फिगर्स और एनीथिंग रिलेटेड. इसमें अगर शॉर्टफॉल दिख रहा है देन मैनेजमेंट विल लुक इनटू द डिटेल्स दैट व्हाई दिस शॉर्टफॉल इज कमिंग फ्रॉम. तो इसमें जब डिटेल्स मिलेंगे तो प्रोजेक्ट्स का डिटेल दिखेगा कि किस किस प्रोजेक्ट में कितना कितना शॉर्टफॉल एंड ऑल दो थिंग्स यहाँ पे दिखेगा. देन इफ दे वांट टू लुक कि ये प्रोजेक्ट में इतना प्लानिंग था बट अभी भी ये कम्प्लीट नहीं हुआ तो फर्दर दे कैन डिग आउट कि इस प्रोजेक्ट में रीजन क्या है शॉर्टफॉल के लिए. जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसको प्रोजेक्ट का डिटेल्स वहाँ पर मैं लिख देगा कि प्रोजेक्ट का पर्टिकुलरली प्लानिंग कितना था और अचीवमेंट शॉर्टफॉल जो बाहर उनका डिटेल वही बने. लेकिन इसमें रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं जो पार्टीज हैं एंड कंसल्टेंट एंड क्लाइंट डिटेल कब उनका कंप्लीशन था और अब तक कम्प्लीट क्यों नहीं हुआ है. लाइक वाइज मीन्स जो रिव्यू में करते हैं सीएमडी सर वो अगर किसी जोन में जाके भी करते हैं Now with the help of the system, we are trying to कि वो अपने ही सीट पर बैठ कर दे कैन टॉक टू द आरबीजी एसपीजी. तो आरबीजी एसपीजी कैन ऑल्सो ओपन द सेम विंडो एंड द मेन एडवांटेज इज अभी कभी कभी क्या होते हैं सीएमडी जब रिव्यू करते हैं पीएमजी हैज अपना प्रेजेंटेशन होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसमें जो फिगर्स है आरबीजी उधर जो बैठे वो फाइनेंस वाला वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं बोलते हैं सर ये फिगर लायबिलिटीज जो दिख रही है 17.61 इधर जो दिख रही है नहीं दिस इज रॉन्ग सर एक्चुअली इट इज ओनली 13. मेनी टाइम्स इट हैपन तो बाय दिस काफी टाइम्स फिर आर्ग्यूमेंट में वो बोलेंगे नहीं सर मेरा फिगर मैंने अभी देखा तो सही है. तो फाइनेंस वाला बोलता है ये तो मेरा ऑनलाइन से मैंने निकाला है तो ये तो सिस्टम वाला फिगर है ऐसे चलते हैं. तो इसको देखो एवरीबॉडी विल बी ऑन द सेम पेज बाय दिस सिस्टम you will be what you will be seeing what I will be seeing so there will not be any confusion to avoid the contradictions of all the parties have a 5 minutes break it is not for just 5 minutes. इसमें सपोज मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक दैट मैम आई टोल्ड कि फंड का क्राइसिस होता है एंड ऑल दोस थिंग्स साइड से जब पूछते हैं तो दे यूज टू टेल लाइक दीज ऑब्जर्वेशन. तो फंड का अगर हम यहाँ पर में देखेंगे तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर में भी दिखेगा होगा कि ओके तो फिर घुमा नहीं सकते हैं फंड नहीं है फंड आया नहीं है इधर तो एकदम दिखेगा. यू कांट डिनाय द फैक्ट्स मतलब यहाँ पर में अकाउंट्स के साथ में सारा क्लियरिटी है. सिमिलरली इस प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस क्वार्टर वाइज में क्या रहा है दैट वी कैन सी फ्रॉम द कॉस्ट शीट उसका मार्जिनस क्या चल रहे हैं कहाँ पर में हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है प्रोजेक्ट वाइज भी वी कैन मॉनिटर जिसको कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल के लिए कॉस्ट शीट वगैरह उधर से सिस्टम से उड़ के आ जाते हैं फिगर्स आर बी पिक्ड अप फ्रॉम दोज ईआरपी बैलेंस शीट से वगैरह पिक अप करके इट्स लाइक वी आर इंटीग्रेटिंग विद आवर सिस्टम सो दैट ऑल फिगर्स आर अवेलेबल रेडीली. सिमिलरली अब नेक्स्ट फिजिकल स्टेटस है जो हम लोग नॉर्मली साइट से यही मांगते हैं कि एज ऑन डेट आपके उसमें क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लेटर्स रीजन क्या इश्यूज हैं. तो ये एक फॉर्मेट यहाँ पर मैं डेवलप किया हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट में स्कोप पहले डिफाइन करते हैं कि क्या क्या कितना बिल्डिंग्स बनना है देन उस स्कोप का यहाँ पर मैं क्या करंट स्टेटस है. तो नॉर्मली जो कॉल करते हैं साइट्स पे हम लोग फिजिकल प्रोग्रेस और उसके लिए इफ दिस सिस्टम इज रेगुलरली गेट अपडेटेड फ्रॉम द साइट ओनली वी नीड नॉट टू गो देयर. तो हमें मैनेजमेंट को क्या पुट अप करना होता है यही रिपोर्ट्स पुट अप करनी होती है कि करंट में किसी साइट पे क्या प्रॉब्लम है क्या प्रोग्रेस कर रही है और जिसके कारण साइट वाले भी बहुत ज़्यादा अपने जो उनका हो सकता है साइट पे एक्चुअल काम उनका काम जो कुछ और चल रहा हो मेजर इंपॉर्टेंट बट फॉर द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव टू गेट डेविएट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट वर्क और फिर वो यहाँ पर में शिफ्ट करना पड़ता है उनको अपना फोकस टू अवॉइड दैट थिंग वी आर ट्राइंग कि वो मॉर्निंग में आए एंड देन जस्ट अपडेट द फिजिकल स्टेटस लोअर लेवल. आपको किस किस को काम अलॉटेड है जैसे किरवाई में सबको काम अलॉटेड है वो खुद अपना अपना गेम के लिए बस
एंड फोटोज भी देखो अटैच फोटो भी है अपने प्रोग्रेस की फोटोज भी अटैच कर दी थी तो सबने सबने अपने अपना डाल रखे प्रोजेक्ट के ओवरऑल टेक्निकल ऑफिसर को भी ज्यादा काम नहीं है जनरली इसमें कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स भी आ जाते हैं जैसे कि पर्टिकुलरली किस कॉन्ट्रैक्टर का कितना क्या काम उसको दिया गया था कब तक उसका एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टुअल डेट्स थी बट आज नहीं हुई है तो देन यू कैन थिंक ऑफ कि क्या इसके ऊपर कोई एक्शंस लिए गए कि नहीं किए गए वी कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर इटसेल्फ और नाउ नेक्स्ट लास्ट थ्री जो फॉर्म्स बनाए हुए हैं दीज आर रिलेटेड टू द ऑनलाइन बिलिंग अभी इसके साथ लिंक नहीं गया बट ऑनलाइन बिलिंग जैसे सबको पता सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स में कर ही रहे हैं तो वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है मतलब फर्दर वी नीड नॉट टू गेट द डिटेल फ्रॉम ई साइट की आप हमारे को बताइए कि आज तक कितना काम हुआ है कितना बैलेंस कंप्लीटिंग है कितना आपका फिनिशिंग का काम बाकी है डायरेक्टली फ्रॉम योर बिल्स वी कैन सी व्हाटएवर यू हैव सबमिटेड व्हाटएवर द कॉन्ट्रैक्टर हैज सबमिटेड द बिल वी कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर इट्स काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी कुछ छुपा नहीं सकते सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया सबको एंड ये तो क्लोज प्रोजेक्ट है इसमें स्टाफ डिटेल्स ही दिखेगा बट इसमें जो स्टाफ एलोकेटेड है उनके फोन नंबर एंड वो सब भी दिखेंगे सो दैट इफ सीएमडी और मैनेजमेंट वांट्स टू टॉक टू एनीवन ही कैन टॉक टू देम डायरेक्टली व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन द साइट दिस दिस इज द प्रेजेंटेशन Project network activities which add up to the longest overall duration regardless if that longest duration has float or not. Right? Finally, जो भी है इसमें float नहीं होती है. This determines the shortest possible time to complete the project. There can be a total float within the critical path. ये स्टैटिस्टिकल ट्यून है बेसिकली प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक ये इवेंट ओरिएंटेड है इसमें डिफरेंट टाइम एस्टीमेट्स है राइट कितने एस्टीमेट्स है इसमें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन 3 हां 3 यस व्हाट आर देयर प्रोजेक्ट सबको पहले पहले पता है एक्सपेक्टेड टाइम भी होती है You have missed the expected time. But finally, होने वाला क्या है? तो formula क्या है? Finally, to expected time T E. If you say T is the expected time, O is for optimistic time. Optimistic time plus most likely time, right? Most likely time उसका M है. Pessimistic time P. तो P के ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम हम फोर टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम राइट उसको एवरेज करो डिवाइडेड बाय 6 यू गेट द एक्सपेक्टेड टाइम दिस इज फाइनली द रिजल्ट एसेंस ऑफ वर्ल्ड देन एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमेवेरा आई थिंक आजकल हमारा साइट्स में यूज कर रहे हैं किरवा नगर में वगैरह यूज हो रही है यार इंडिया में एमएस प्रोजेक्ट एमएसपी क्या है प्राइमेवेरा नहीं I think ITPO mein they are using extensively either MS project or Primavera something either of the two. Sir MSP तो almost सब जगह करीब है. करीब है ना? MSP तो मतलब सभी जगह करते हैं. करता है ना. Primavera is a high end and आजकल मेरे को लगता है हमारे कुछ contractors तो use कर रहे लगता है. If we are not using at least some contractors, किधवाई नगर में कोई नहीं use कर रहे. Primavera. नहीं है. आपकी साइड में भी नहीं है स्टार्ट तो किया नहीं है हमको नहीं इस कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से ना एक्चुअली मैम मोस्टली क्या लोग एक्सेल नहीं करते हैं हां एमएस प्रोजेक्ट में भी एम्बेडेड होता है एक्सेल वो एक्सेल नहीं कर लेते हैं खुद से चेंज कर करके दे देते हैं तो फाइनली एक्सेल के क्या फायदा क्या है आपको सबको पता जल्दी करना आता है इसलिए अदरवाइज एमएस प्रोजेक्ट तो हमारे कंपनी में खुद अभी मेरे को लगता नहीं है ज्यादा लाइसेंस लिए नहीं है As a company, even in the corporate office, we don't have much licenses. So MS Project and Primavera software definitely hai, but it is not that mandatory that isse hi hum kaam kar sakte hai, but then definitely you have to use tools. Badhiya hai, and especially aapko understanding hona chahiye. Isko kitne use karna nahi karna, it depends from varies from person to person, right? तो
दिस एमएस पॉलिटिकल पैनाग्राफ ऑफ ट्रेनिंग सेशंस तो अलग ही होती है तो आई डू नॉट इंटेंड टू टीच यू बिकॉज़ दिस कैन नॉट बी टॉट इन हाफ एन आवर और वन आवर दिस इज अ ऑनलाइन ट्रेनिंग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है आप लोग तो ट्रेनिंग अटेंड भी किया होगा किया है ना एमएसपी का किया था एनबीसीसी में किया है हां एंड आई थिंक इट्स अ 2 डे ट्रेनिंग और समथिंग So I'm not going to go into teaching this, these are tools to monitor the project. So MS project mein as you know, aap pehle ek task create karte, activity ka list create karte hai, then you start the, you add on the start and finish dates, right? To each task and activities, create dependencies, then create work breakdown structure, milestones, then add resources, And assign the respective tasks, schedule the projects for the critical path, and maintain the baseline and update periodically to monitor the progress. So, you have to reschedule to karne padti hai. Then generate reports. Isme se apna reports, fayda kya hai? Reports usse nikalta hai puri. Generate the reports and identify the remedial measures to cope up with the slippages. Update the project and assign the desired progress. So even I would like to show you certain realities of project management. It's not there is no hard and fast rules which you have to follow in project management. क्या general myth क्या है? Drawing a good CPM PERT chart makes a good project manager. I will say this is a myth. Simply PERT chart draw करने से project तो नहीं होगा. Saving lots of money makes a good project manager. No, I don't think. And here we have laid down rules. And sticking to good and impressive formats for reporting makes a good project manager. बहुत सारे बढ़िया रिपोर्ट निकाल दिए इसमें से इससे थोड़ी प्रोजेक्ट हो रही है नो यूजिंग एडवांस सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर ड्रिवन टेक्निक्स सच एज प्राइमेवेरा एमएस प्रोजेक्ट्स मेक्स अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर डेफिनेटली ओके इट्स एट अ वेटेज बट स्टिल इट्स नॉट दैट सिर्फ यूजिंग द टेक्निक्स विल नॉट हेल्प यू इंटरप्रेटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस वर्बेटिम मतलब एकदम पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड makes a good project manager, no, I don't think so. Realities kya hai? You have to understand the cost, requirements, limitations of the employed technology, material, keeping in view the overall delivery. Makes a good project. Matlab, aapko us project ko really customer-based sochne padega. Us customer-made sochne padega. Aisa nahi hai, generally soche. Uske baad aap jo bhi kare, usko उस प्रोजेक्ट के लिए इट विल हेल्प इन दैट कंप्लीशन हैविंग मोर रिलायंस ऑन सॉफ्टवेयर डिवाइसेस आई विल से व्हाट डू यू से इन इंडियन कंप्यूटर्स छोटे छोटे चीजों में सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो भी है एज वेल रादर देन बीइंग रूल बाउंड तो हमारी बुक्स ऑफ बुक्स में बीसीसी में जो लिखी है उसको एकदम इफ यू ट्राई टू फॉलो द रूल्स many times it will not happen aapko kabhi kabhi na thodi si modne padti hai many people will think thoda risk hai main kyun likhu ye kya likhu but then the real progressive manager many times have to take that extreme step wo step bhi leni padti hai but then at the same time you have to record for these reasons we should jo bhi change karna hai to for these reasons it should be written very clearly 1 2 3 4 theek hai samajh gaya You should justify for what reasons if something is it is returned. आपको इतनी mobilization advance इस time में देना है तो उसकी period time period आ गया mobilization advance के लिए देना है but for some reason the contractor is telling something deviating from the mobilization advance. Many times maybe we have to deviate but then उसकी justified reasons होना चाहिए it should be recorded on file. उसके बाद जो भी approving authority है उस उनके पास गया उन्होंने approve किया तो वो ठीक है Because it is on record. Tomorrow, it's not that you have not highlighted. You have to highlight the things, get the approval of the competent authority, then you are safe. So, ऐसे नहीं आपने पूरी एकदम किताब पढ़ी, किताब से जो लिखी है उससे करेंगे तो project होगा नहीं. It will not happen. Project does not happen like that. Then using simpler objective tools to monitor the various stages of progress, leading to overall performance makes a good project manager. आपको डेफिनेटली सिंपलर आपने जैसे बोला रोज आपको देखना ही देखना है मेरे को कल क्या करना है कल क्या नहीं कर पाया और फिर उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूँगी वो भी देखना है
dividing the task into various small accomplishable milestones and monitoring the achievements both at micro as well as macro level. That is termed as a good project management. Taking speedy decisions and resorting to required mid-course correction. Of course, mid-course correction sounds like a problem because you are halfway in the project. Kabhi-kabhi aise situations aa jaati hai. There is no way. आगे जाने का रास्ता ही नहीं है. Then आपको immediately course correction सोचना है, mid course correction सोचना है. It's not generally done at the junior level, but you have to initiate papers. So we have one area. So shall we do like this? That's what is called mid course. Taking speedy decisions. देखो बहुत लोग decision लेने में delay करते हैं. That's a very dangerous proposition. Decisions तो आपको ले रहे हैं. कभी कुछ नेगेटिव हो गया वो भी चलेगा बट देन डिसीजन अवॉइड करके बिना डिसीजन का बैठना दैट्स अ बिग ड्रॉबैक मेनी पीपल डू दैट गवर्नमेंट ने क्या सोच है चलो फाइल में कुछ डिसीजन लेने में तो लोग कुछ ये करता है हेजिटेट करता है तो ये मेरे सिर में आएगा टुमारो मेरे को आंसर करने पड़ेंगे बट हमारा फीलिंग है हमारा एक्सपीरियंस जो भी डिसीजन आप लेते हैं उसकी इफ यू राइट ऑन दिस फाइल फॉर दीज रीजंस जस्टिफिकेशन देने से इट इज ऑल रिकॉर्डेड These places may nothing happens. If your intentions are clean and clear, nothing happens. That is to prove that. But if you are having malified intentions, so apni fasbi sab kar. Your intentions should be clean and clear, and then you should be very bold in taking decisions. Aise nahi aapko zyada darne ka baat hai. So this I have just briefly general realities in practical way because aap log maximum to site se hai. साइड में एकदम रूल बाउंड नहीं होनी है देखनी है आपको देन आई थॉट आई विल गिव एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल आल्सो जनरली हम मैच्योरिटी का क्या मतलब है मतलब आदमी का ये पूछते हैं अच्छा ये तो बहुत मैच्योर बनता है ऐसे भी बोलता है राइट सो हैव यू थॉट अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी एक कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैच्योरिटी क्या है तो हम कैसे कितने मैच्योर है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिकॉज वी आर डूइंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स राइट तो ये हमारे लास्ट ईयर की एमओयू में भी था एक पैरामीटर दैट यू हैव टू डू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैच्योरिटी ऑफ योर कंपनी राइट लास्ट ईयर की इट्स नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स सो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट maturity is based on so many attributes I am coming to that so this particular parameter was there in the MOU so the company appointed one consultant and got the project management maturity I feel even for the HR the same study was conducted by Manasri and HR ka maturity model nikala hai which level you are at at which level where the company stands it is just understanding now this just a second You are sensitized, getting sensitized, where do you stand as on date? But the results are not so good in case of project management. Because they have done a questionnaire, they have talked to different site people, they have talked to different RBGs. Finally, questionnaire इन्होंने बांटा है, जो consultant आया था. हम questionnaire से सबसे जवाब लिखा है. आप लोग भी बड़ा हो गए head office वाले? Not at your level. कुछ models से बोल कुछ लोगों से बोलवाया हां कुछ लोग से व्हिच लेवल दे हैव नहीं ऐसे नहीं इट वाज पीएम लेवल भी था डीजीएम लेवल भी था एजीएम मतलब सेलेक्टिवली मतलब सिलेक्टेड लोग मतलब एवरी लेवल वी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड मैक्सिमम मतलब इट शुड बी पर्पोलेटिंग टू ऑल लेवल्स ऐसे था तो क्वेश्चनर पार्ट के जो जवाब आया है उसको फिर कंपाइल करके कंसल्टेंट ने एक फिगर्स दिया तो वी वर क्वाइट वरीड उस रिसर्च से वन और टू what level they have said? Finally, we got 2.2 out of 6. Okay. That means we are too low. Our maturity in case of project management, हम इतनी ये नहीं awareness नहीं है आप ढंग से deal नहीं करते sites में. We are at the very rudimentary level. This is a reading. And now we have to get it improved also. अगले साल के लिए अगले मार्च के अंदर we have to bring it to 3.3 level this is what we are targeting for matlab iska andar aapko bahut kuch project management ke seekhna hai basic knowledge bhi seekhna hai risk management framework bhi rakhi ye sab karne se automatically aapki peer reading rating badh jayega to this is a new concept introduced in the industry for assessment of
project management maturity level of a company, right? And there are 6 levels of organizational project management maturity. Isme level 1 hoti hai ad hoc. And ad hoc level mein kya hai? This reflects the organization project management is carried out in non-systematic manner without workable systems and processes. Matlab jo bhi aaya kiya, there is no set systems, right? It's not systematic, it's not done in a systematic, ad hoc basis mein. Temporarily kuch karte hai, ye kar diya, wo kar diya, wo system hai. Then the level 2 is a ritualistic system, ritual. This level reflects that the organization has some processes and systems, but they are treated like a ritual. So, ek karna hai, jaise quality humko kuch format maintain karni hai, but asliyat mein quality karna nahi hai. So, ritualistic kuch format karke rakha, ISO ke liye bas mera ho gaya, is project hai bas. Ye wale ritualistic wala, not in depth. So, this is level 2. And level 3 is compulsive. This level reflects that the organization is forced to introduce and ensure all persons follow the process. Compulsory aapse demand kar rahe hai, aapko ye follow karna hai. And systems thereby improving the organization's productivity and efficiency. This is not a good thing. Bachchon ko jaise market pada rahe hai, wo sab system hai, compulsive. This is not a good thing. And we are at 2.5, that means between ritual and compulsory. Yes, yes, yes. We are so low there. So, level 4 is leadership. This level reflects that the management encourages the use of proactive mechanisms for forecasting issues and problems and takes necessary actions timely. This is where leadership role play karta hai. And leaders se jo management reflect karte hai, wo niche mechanisms hai and usko forecast bhi karte hai. Jaise kuch issues hai to usko pehle forecast karte hai. And we are able to solve the problems timely. This is leadership level. Then level 5 is visionary. This is highly top driven from the head of the organization, where the vision of the top man is percolated to every level of organization. जैसे हमारे कंपनी में भी इतनी टॉप ड्रिवन है, बट कॉर्पोरेशन तो नहीं हो रही है नीचे डाउन द लाइन. दिस इज वन इश्यू व्हिच वी हैव टू सी. मिशन इज टू सी लॉन्ग डिस्टेंस एट द सेम टाइम बीइंग ग्राउंडेड टू रियलिटीज. लेवल 6 है इसके सबसे हाईएस्ट लेवल, दैट मींस पैशन. दिस इज द हाईएस्ट लेवल, इज ड्रिवन बाय पैशन. So it's not confined to the CEO, but passion is part of the work culture of the entire organization. This is the highest Japanese people vagera level 6 mein aati hai. Hamare Indian companies maximum 4.5 tak aaye hai. Jaise maine pata hai. Which company? It was L&T. Huh? Not L&T. It was less than 4 or around 4. Mm-hmm. And it was Kotak, I think is there. Kotak Mahindra. Insurance company. हाँ, Kotak. So it was 4.5 वगैरह, better था उसे. This is the report which we got. And अभी this maturity model, they are putting MOU of mostly all the PSUs through Department of Public Enterprises. So this awareness is very much required. ऐसे भी है, हम हमारी company की maturity भी measure करता है. So which are the 6 levels? Just to summarize, आप बताइए. एक तो एडवोक है लेवल 1, लेवल 2 रिचुअल, देन लेवल 3 कंपल्सरी करवा रही है, एंड लेवल 4 लीडरशिप, देन इट्स अ मिशनरी फॉर द टॉप ड्रिवन सीईओ टाइप, एंड देन फाइनली द पैशनेट. एवरीवन इज पैशनेट अबाउट देयर वर्क. दैट इज अ लेवल व्हिच वी शुड एम फॉर. सब अपने काम में पैशनेट रहे. ऐसे नहीं है सिर्फ सीएमडी पैशनेट रहे. अभी तो यही हो रही है. In fact, we are getting lots of requests for this particular program, you know. Which one? International Project Management Associates Association. They do a PMA level D program, C program, A program. Right, right. So they all PMA, PMA, na? PMA, C, D level. Yeah, yeah, yeah. 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 So, the project management maturity
इसको कैसे मेजर कर सकते कैसे करते हैं देयर आर 12 एट्रीब्यूट्स टू दिस राइट इसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज क्वेश्चन पीएमटी के इसमें आपकी नॉलेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज कैसे करना है पूरी इन डेप्थ दिस इज बेसिकली टेक्निकल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सेकेंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी कंपनीज जो फॉलो करते हैं उसको आप व्हाई डोंट वी ब्रिंग इट टू अदर कंपनी आपको यू हैव टू कीप लुकिंग अराउंड बाकी हमारे सेम फील्ड की कंपनीज कैसे उधर परफॉर्म जैसे एलएमडी इतने अच्छा परफॉर्म है तो कैसे वो गोल्स पहुंच रही है हाउ डू दे बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग इन द सेम मार्केट राइट वो कैसे मैनेज कर रहे हैं That is project management best practices. Then uncertainties from conceptualization to execution phases. ये तो है आपके project है तो इसमें uncertainties are bound to happen. तो उसको भी हमको कैसे उसको पहले से जाने uncertainties को जैसे आपकी project रुक गया आपको पहले भी कुछ inkling होना चाहिए था अरे ticketing के issues हो सकते हैं क्या जैसे जब इतनी बड़ी बड़ी projects ये अभी तो सब aware हो गया But we did not make any factor of safety there. We were in a hurry to do the project. हमने hurry में किया है, but at the same time all the approvals are in place. But then किसी ने जाके case डाल दिया. तो now we are being forced to revisit. If we have done it 100%, then we revisit का ज़रूरत नहीं पड़ता था. Court would have got convinced on its own. But मेरे को लग रहा है हमारे तरफ से maybe कुछ कमी रह गया होगा. हमने इतना सोचा नहीं था. ये लोग इस extent में जाएगा. तो जनरली ये दिल्ली के डिफरेंट अथॉरिटीज है वो जो अप्रूवल देने के बाद लुक बैक करने का जरूरत तो नहीं पड़ता है मैं भी पहली बार मेरे करियर में देख रही हूँ ऐसे लुक बैक करने का तो अनसर्टेनिटीज को भी एक एटीट्यूड से उसको भी आपको ध्यान रखना है आपको फोसी करना है देन रोल ऑफ सपोर्टिंग फंक्शन जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो जनरली इंजीनियर्स कर रहे हैं एग्जीक्यूशन कर रहे हैं बट देन जैसे की रोल टू प्ले बाय द एचआर ऑल्सो By the finance also, finance पैसा टाइमली देने हैं, bills check करने हैं, वो cooperate नहीं किया तो project manager कैसे होगा? तो role of the supporting functions also, it matters. Maturity में सबने इकट्ठा काम नहीं किया तो this is one of our weak areas. We are not able to cohesively work together. It's not a cohesive setup. Role of supporting functions having explained. Next is the connection between the strategic intent and the project management. स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे आपने एक फाइनल इंटेंट है आपको इस प्रोजेक्ट डिलीवर करना है जो एमओयू में जो लिखा है एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब आपने कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया उसमें एकदम वो लिंक होना चाहिए जो उधर के टर्म्स है वो इधर ट्रांसलेट होना चाहिए कैलकुलेट होना चाहिए दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन गोल्स है जैसे हमको देखो 10,000 करोड़ की टर्नओवर अचीव करनी है राइट एंड उसकी सबका माइंड में वो होनी चाहिए मैं इतना करना है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है मैं इतना कॉन्ट्रीब्यूट करना है सबको मिलके वो फाइनल गोल में पहुंचना है सबके सामने वो गोल दिखना है यस वी हैव टू डू इट देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस मतलब सिस्टम्स जो भी है फॉलो करनी है अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई भी इश्यूज है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम आल्सो शुड बी इनबिल्ट देन प्लानिंग कंट्रोल स्प्रिंट प्लानिंग एज आई टोल्ड यू डिफरेंट टूल्स आर देयर टू प्लान द प्रोजेक्ट दैट इज द प्लानिंग कंट्रोल देन सिस्टम कल्चर विद इन द कंपनी प्रोजेक्ट कंपनी का कल्चर क्या है सिस्टम्स क्या है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द सिस्टम्स व्हिच इज बीइंग कभी ऐसे नहीं है विदाउट सिस्टम भी चलता ऐसे तो नहीं है Being a government company, we have certain systems. So systems follow karne hai. Customer focus. You have to give due regards to customer. Customer ka requirement ko prime rakhna chahiye. Customer focus whether the company is having or not. Then communication. Though it is the last, but it is very important. Communication. Many times top level jo communicate karta hai, wo niche down the line percolate nahi karta hai. That is one issue. जैसे इन्होंने बोला है हमको पता ही नहीं चलता है ऊपर कैसे चलता है मीटिंग जो होता है ऐसे नहीं होना चाहिए जनरली सीएमपी बोलते भी है जो हम आपको बता रहे हो डाउन द लाइन आप ग्रासरूट लेवल तक जब आप मीटिंग्स करते हो उसको बताइए बाकी लोगों को भी बताइए राइट सो एज आई टोल्ड यू क्वेश्चनेयर ऑन दीज एट्रीब्यूट्स वर
made and the consultants calculated. Based on this, finally we got a maturity model of only 2.2. So, but let us hope, agle maas tak hum usko 3.3 tak leke aana hai. This is what we have agreed. Board ne bataya aapko isko badhana hai. तो अभी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज बढ़ाने के लिए एंड ऑन वेरियस एट्रीब्यूट्स जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस बेटर प्रैक्टिसेस हम फॉलो करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बनाएंगे ये सब करेंगे सिक्स बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है इसमें टाइम एस्टिमेशन कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटीज उन्होंने वही एडवाइस किया आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन टाइम एस्टिमेट You have to use minimum this four time estimates. Then only you will be able to assess correctly. Simply eight times only. इसलिए तो हमारी जो 10,000 crores की turnover target रखते हैं finally achieve करते हैं five because हमारी चार time estimates नहीं है. We are basically having one time estimates. Inclusion of impact of major risk factors in budget. Then risk management being carried out from inception to closure. As I told you, risk management now we are going to bring it into the system. Then dynamic documentation practices, what not to do, that is also important. Aapko kya nahi karna chahiye. This is also very important. Then front-ending efforts prior to execution of a project. This is very important. Last time the consultant was telling, before you take up a project, jo pehle jo aapki front-end प्लानिंग चलती है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट डू यू एग्री और नॉट अब कोई भी काम करने के लिए निकलता है पहले जोड़ी 10 मिनट सोचना चाहिए क्या करना जा रही सोच के निकलने से आपको एकदम दिमाग क्लियर रहेगा कैसे करना है एंड हाउ टू रीच दैट गोल तो फ्रंट एंडिंग में हमको एफर्ट्स देना चाहिए वो हमारी एक प्रैक्टिस बनाना चाहिए जर्नलिस्ट रजिस्टर इज कंटिन्यूसली अपडेटेड एंट्रीज एंड प्रायोरिटाइजेशन Hi, questionnaire survey we had distributed as I told you and जो rating आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है तो based on this I have made a small questionnaire for you also जो भी आप understand किया है उसको briefly इसको evaluate तो आज करना तो नहीं है ना सतपति नहीं question should be coming and they will answer we'll give it to you we'll take it back you will evaluate your team will be evaluating then I will correct from there लेने का बाद यू विल टेल देम द आंसर आल्सो आपको क्या लग रहा है पीएमजी आउट पे कुछ फंक्शंस करना चाहिए या हम ज्यादा मॉनिटर कर रहे हैं ऐसे कुछ आपको फीलिंग है या कैसे है ज्यादा पता नहीं मेरा प्लानिंग दो दो महीने हो गए अच्छा ये जस्ट जॉइन रिसेंटली जॉइन चार महीने चार महीने Bye.
का डिफाइन टू लाइफ साइकिल फोर सबसे सही होगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टू बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन लेवल 3 नेटवर्क लेवल 3 एंट्री नेटवर्क I can guess sitting here that the level, the project management level of NTPC must be at 3.5 to 4. Ah, yes. Mm. They are very, very structured. Very, very structured. Very strong. The cost of a project is divided by parametric methodology. Parametric methodology. There is a slight overlapping. Based on the work packages, based on the work packages, we have defined the work breakdown structure. So, how many contracts have you done? Package 1, 2, 3, 4, so total of the cost of the project. Quality of project execution is ensured by following ISO 9000. How many time estimates are defined in PERT? 3 4 4 Optimistic, pessimistic, most likely, expected. Project review to be done based on all of the very good, very good. And payment to contractors to be released on agreed schedule. Yes. What are the key responsibilities of PMG division in terms of all of them? All of them. How formal project management process is required to be? Yes. Right. Strategy to expand business required to be? B. Company's goals, financial growth and puri kuch dekhe karna hai. How the project management is critical to business success? Project management will be welcomed by the Then how to predict future project performance? Focus time and cost. How to handle regulatory constraints impacting a project? System should be placed to predict the factors. Yes. The project review meetings to be held. Whether Yes. Then whenever planning is done for a new project, data information for all the past projects required to be considered. Not fully. Planning should take into account the criticalness of various projects in the portfolio. Yes. Is updation of project progress required to be real time based? Yes. What is the correct sequence of A. Are time overruns and quality overruns required to be discussed during project reviews? Yes. How company requires to be involved with the client? On constant schedule. Yes, very correct. What should be the basis of allocating technical and other staff to the project? Fully aligned to the type of contract and staffing needs. Then critical path method determines. PERT is based on event-driven. How many levels of project management maturity model? Six levels. What is the highest level? Passion. It should be passionate. Then we have that is the level passion. We have that is attributes are considered in project management. 12 attributes are there. How many best practices are considered in project management? Six. Right. Then बाकी तो plan पर आपने लिख ही लिया होगा. ऐसा भी नहीं. Execution पे लिख लिया सब expert है. Then five roles of PMG भी तो पता ही होगा. Myths and realities, short form में बताइए myths and realities. Good report creator is a good project manager. Good reporting. Good report creator is a good project manager. Is a myth. Yes. Okay. Primer और MSPC is a good project manager. नहीं हो सकता. तो फिर reality क्या है?
सी प्रेजेंटेशन से ये भी इक्वल द प्रेजेंटेशन मतलब एंट्रेंसेस को कंसीडर करके जो बीइंग प्रैक्टिकल बीइंग प्रैक्टिकल टू रीच द एंड गोल टू द रियलिटीज नॉट टू द रियलिटीज आपको रोड पे क्या करना है नहीं करना एक बार डिसीजन लेकर बैठ नहीं सकते हैं मेक ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड रीच द गोल देन व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टू बी टेकन फॉर टाइम एंड कोर्स कंट्रोल ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज timely decisions, timely approval. Resource leveling throughout right, right. Yeah. Definite time. Approach. Resource leveling at Resource leveling, yes. Then timely contractor performance assessment and taking mid-course correction. Then timely closure of the project demobilization. Sab kuch karni hai. Then only pre-bid cost control. Then formula for expected time of PERT. Optimistic time. Very good.